ये झींगे हैं, इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। कढ़ाई रख लिए, इसमें डालूँगी झींगे। चावल भी बन रहे, चलो इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो अच्छे तरह से साफ करेंगे हम, ये है ना, निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे ऐसा, ठीक है, साफ करके बताऊंगी आपको। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप। हम आ चुके हैं फिर से मासूमा के किचन में। आज बनाने जा रहे हैं बैंगन, मीठे बैंगन। यह है बैंगन आधा किलो, अच्छे तरीके से काट के इस तरीके से काट ली मैं। इसको पानी में, नमक के पानी में भिगा लेने का है। और ये बड़ी डली प्याज की दो डली काट ली अच्छी तरीके से। ये हल्दी है आधा चमचा, नमक एक चमचा, हरी मिर्ची अच्छे तरीके से तोड़ के इसमें डाल ली मैं। नमक डाली, ग्राइंडर कर लूँगी इसको। और ये है कोथमीर, अदरक लहसुन, ये है झींगे। आज बनाने जा रहे हैं हम बैंगन और झींगों का सालन, ठीक है गैस। इसको अच्छे तरीके से ग्राइंडर में पीस लूँगी मैं। कढ़ाई रख ली, तीन पल्ली मीठा तेल ऐड कर दी इसमें मैं। अब डालेंगे हम ये प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज को अच्छी तरीके से ब्राउन कलर का होने देंगे। प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन कलर की हो गई। अब मैं ऐड करूंगी अदरक लहसुन एक चम्मच। पीसी हुई हरी मिर्ची, अब ऐड करेंगे बैंगन। ये रोटी के साथ भी अच्छा दिखता है ये सालन। कोथमीर ऐड कर रही हूँ, बैंगन गलने के लिए थोड़ा पानी ऐड करूंगी मैं इसमें। ये मिर्ची पीसी थी हरी मिर्ची, इसका पानी ऐड कर देंगे हम। बैंगन को अच्छे तरीके से थाली ढाप के गलने देंगे। थोड़ा और पानी ऐड करूंगी मैं इसमें।
अच्छे तरीके से, ठीक है। माशाल्लाह अच्छा सा बन गया सालन हमारा। अब इसको हम दम पे रख देंगे। बैगन भी गल जाते, थोड़े गल गए बैगन। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये जो झींगे थे, अच्छे तरीके से भून के इसको अच्छे तरीके से साफ कर ली मैं, ठीक है। इसमें ऐड कर दूँगी आज की हमारी रेसिपी बैगन और ये झींगों की। माशाल्लाह सालन अच्छे तरीके से दम होगा। अब हम इसको एक कटोरे में निकाल लेंगे। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाहे रोटी के साथ खाओ या चावल के भी साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े का होता है ये सालन। नाश्ते में रोटी के साथ खा सकते हैं। इस कटोरे में निकाल लूँगी मैं। देखे सालन बन गया अच्छी तरीके से, कटोरे में निकाल ली। हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है गाइस। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत सब्सक्राइब करने का, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। दुआ में ख्याल रखना।